है मार पर जाई जी, मुझे तो सच में समझ ही नहीं आया कि होया की है। आप तो मेरा दिल कितने अच्छे से जानते हो, मेरा दिल तो ना कुछ गलत होते हुए देखा ही नहीं जा सकता, तभी तो मैंने आपको सारा सच बता दिया। पर मैनू की पता सी कि ये मैर बेअंत वीर जी को पहले ही सब कुछ बता चुकी है। वैसे ना आपकी एक गल बिल्कुल सही है कि अपना खून अपना होता है ते ओपरा ओपरा, और फिर क्या पता कल को सच में आपकी बात सच हो जाए, ये करण हमारे परम का सारा हक मार जाए। हैं आप ये लो एप्पल खाओ थोड़ा सा। नहीं ओए, नहीं मन कर रहा मेरा। ओहो कौन? मेरा परम पुत्र। ओ नहीं परजाई जी, ये तो वो है जिसे आप अभी अभी इतना याद कर रहे थे, करणजीत सिंह गिल। सच्ची बड़ी दादी, आप मुझे याद कर रहे थे? ओए मार, ना तू इतने क्यों आया है? मिठाइयाँ खानी। बड़ी दादी आपने जो स्पेशल मिठाई मेरे लिए बनाई थी वो खिलाओ ना। ओए कल सुन ले, मैं ना तेरी कोई बड़ी दादी नहीं हूँ, है? और कोई मिठाई शिठाई नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जा यहाँ से दफाओ। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था। मैंने कह दिया ना मैं तेरी बड़ी दादी नहीं हूँ, है? जा। अजीब बात है, अभी आता हूँ। मैं बहुत शॉपिंग करूंगी। मैं जी? हाँ तो क्या प्लान है? प्लान ताई जी को मनाने का। आपने दादी के सामने तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल दी कि तिया का त्योहार पूरी फैमिली मिलके मनाएगी, लेकिन ताई जी को कैसे मनाएंगे? वो बहुत गुस्से में। सरबजीत जी, मुझे लगता है कि जब तक ताई जी का ये गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक हमें करण को ताई जी से थोड़ा दूर रखना चाहिए। यू आर राइट जी, अगर करण उनके पास गया तो वो और भड़क जाएगी। अभी बताती हूँ, रुक। और फिर जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उन्हें शांत दिमाग से समझा दूंगी कि ताई जी रिश्ते दिलों से बनते हैं, खून से नहीं। सच में जी, आपकी बातें सुनकर ना दिल को बहुत सुकून मिलता है। आई जस्ट होप ताई जी को भी आपकी बातें सुनकर ऐसे ही सुकून मिले, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। नहीं 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 नहीं, ओए ओए करण। करण करण,
मौमसी क्यों जलाया बड़ी जी? दादी ये आँखें में लगी पापा बड़ी दादी ने हमारा फैमिली ट्री जला दिया जवाब दो ताई जी तुसी ये पेड़ क्यों जलाया क्यों जलाया मतलब कोई गलत प्रोजेक्ट बनाया था बच्चों ने ऐसे कैसे जमा करने दे देती मैं हाँ ये बात हम बड़ों के बीच में हुई थी तो फिर आप बच्चों को क्यों नहीं हैं नूरानी है आज तो तुझे सच बोलने का बुखार चढ़ा हुआ है सब कुछ जाकर सच बताई जा रही है तो फिर इन्हें क्यों बख्श दिया है इन्हें भी बोल देना क्या हुआ वैसे तो तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है फुर फुर करके उनकी हो गया जुबान कट गई चल कोई नहीं मैं ही तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ बता देती हूँ इन बच्चों को सच क्या है ओए इधर देख एक बात ना कान खोल के सुन ले तू मैं तेरी कोई बड़ी दादी नहीं हूँ आई गल समझ में और ना ही तू इस गिल खानदान का ताई जी बस सरब ये क्या तरीका है बात करने का हाँ ताई जी प्लीज बच्चे ओ ना अब तू भी चिल्ला के बात करेगा बदतमीजी करेगा तू अपनी ताई जी से बदतमीजी नहीं तमीजी नहीं अमृत कौरे बल्कि एक बाप अपने बच्चे के साथ हो रही बदसलूकी का जवाब दे रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा सब जाओ यहां से तो नहीं अमृत कौरे आ मेरे साथ मुझे आज तुझसे सीधी बात करनी है हार की या पार की दादी को हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलाना चाहिए था प्लीज चुप हो जाओ मम्मा बड़ी दादी ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी बड़ी दादी नहीं है और मैं गिल खानदान का होता है और बड़ी दादी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बड़ी दादी बहुत गुस्से में थी और अक्सर गुस्से में बड़ों की जुबान से कुछ भी निकल जाता है उनका ऐसा बिल्कुल कुछ मतलब नहीं था अच्छा मुझे बात बताओ क्लाउड्स देखे हैं ना आपने जब क्लाउड सन को कवर कर देता है तो क्या होता है सन नजर नहीं आता एग्जैक्टली जब क्लाउड्स हट जाते हैं तो सन नजर आने लगता है बिल्कुल वैसे ही जब बड़ी दादी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उन्हें आप भी नजर आओगे ब्राइट एंड शाइनिंग
होया किसी मॉम से? इतनी सी बात पे ताई जी ने बच्चों का प्रोजेक्ट क्यों चला दिया? जवाब दे। मैं पहले ही बहुत बार अपना जवाब दे चुकी हूँ और मैं एक बात एक बार नहीं कहूंगी, हजार बार कहूंगी और चीख चीख के कहूंगी मैं कि करण इस घर का खून नहीं है, सरब करण दा प्यो नहीं है, किसी और दा पाप है। अमृत करे। गीता, अगर भूल से भी तूने करण को यह बताया या बताने की कोशिश भी की तो मैं उसी वक्त तुझसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। मेहनत से बनाया था हमने हमारा फैमिली प्रोजेक्ट। ऐसा कोई करता है क्या? बड़ी दादी ने हमारा फैमिली प्रोजेक्ट क्यों चलाया? हाँ। मैं मम्मा, आप लोगों के बीच कुछ हुआ है क्या? मेरे रब दी सौ, अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए मर गई। के लिए जो जो हमारे खानदान का है भी नहीं, आप हमारा 40 साल का रिश्ता तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ दूंगा, बिना सोचे एक सेकंड भी नहीं लावांगा। ओए, रब के पास जाने की उम्र में मैं बच्चों का घर टूटता हुआ नहीं देख सकता। मेरी बात समझ में आ गई हो तो रुक जा, वरना तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा। मुझे बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सोचना होगा। हाँ, सब कहते हैं मुझे नंबर वन, शू शिटाफ में कर दूं सब डन। आई एम मेहर कौर गिल, यानी औलाद का सीना जिसमें मासूम सा दिल। मैं हूं सरबजीत सिंह गिल, यानी OMR, don't shout, speak holly holly, cause I'm from Canada and the name is Dolly, यानी ब्रा, वो मेरी एक आवाज से पर्वत भी जाए हिल, और मैं हाँ बब्बर शेर पंजाब दा। ये मेरा नाम है सरदार बेंत सिंह गिल, यानी इस वीडियो डायरी में सब लोग आ गए सिवाय बड़ी दादी के। उनके बिना तो ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, है ना मम्मा? Hmm.
कैमरा रोल। पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे हैं। मैं ही फोन उठाती फिरू। हेलो। हेलो जी, एक्चुअली मैं सहर और करण के स्कूल से बात कर रही जी। मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी थी जी। जरूरी बात? जरूर, कोई नया पंगा होना है जी। तुसी मैनू दसो। बड़ी कब्बी है मेरी वोटी कि ऐसे किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। दार जी, फिर तुसी मेरी वोटी नहीं जानते। जो कहती है करके रहती है। आहो। बताओ जी, की गल है? आप मुझे बता सकते हो जी? लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? मैं तो आपको जानती ही नहीं। अब है कौन? मैं अमृत कौर गिल हाँ, सहर और करण की बड़ी दादी। हुन दसो जी, की गल है? जिंदी रे पुत्र, आज तेरे डैडी जी होते ना तो उन्होंने बड़ा नाज करना था आप पर। बाकी पुत्र, हालात कैसे भी हों तू सब कुछ संभाल लेती है। आपको पता है पुत्र जी, आपकी तासीर ना बिल्कुल पानी वर्गी है, जो ईंट गारा रेती चूने को बांध कर उसे घर की शक्ल दे देती है। फिर भी इस लड़की की आंखों में शर्म के पानी की एक बूंद तक नहीं है। बहुत बढ़िया किता तू, मुझे बेवकूफ बनाकर तूने अपना काम भी निकलवा लिया और वाहवाही भी बटोर ली हैं? पर ये चाल चल के ना तू और तेरे बच्चे चारों मेरी नजरों में फिर एक बार गिर गए। और आप जी, आपको तो झूठ से नफरत था। संगत की रंगत देख ली आपने? इस झूठी के साथ साथ आप भी झूठ बोलने लग गए। अमृत कौर, जिस झूठ से किसी मासूम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो झूठ 100 सच से भी ज्यादा सच्चा होता है। और उस झूठ को झूठ नहीं कहते। और जो इंसान बड़ी आसानी से अपने उसूल बदल ले, उस जुबान को जुबान भी नहीं कहते सरदार जी। दार जी सरब, सरब तू तो समझदार है, जरा सोच जिस दिन करण की ये असलियत उसके सामने आएगी उस पर क्या बीतेगी, कैसे महसूस करेगा। कभी तवज्जो दिया इस बात को तूने? तूने तो उसे अपना पुत्र मान लिया, लेकिन सच जानने के बाद क्या वो तुझे अपने बाप का दर्जा देना चाहेगा? ज़्यादा प्यार नहीं हो गया उससे? हाँ, जबी तो करण को ऐसे अपनी गोदी में लेटा के छपी पाए रखी है। काश कोई हमें भी इतना प्यार करता। क्या हुआ आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा को पता नहीं क्या हुआ, कब से करण को गोदी में लेटा के छपी पाए रखी है। हमने गुड नाइट बोला तो पापा ने सिर्फ सर हिला के कहा। अभी भी करण को ऐसे छपी पा के लेटे हुए हैं।
तुमसे ही मुझे मिली पहचान है, मेरा जहां मेरी दुनिया है। तुमसे ही मुझे मिली पहचान है, मेरा जहां मेरी दुनिया है। रिश्ते दिलों ने जो है बनाए, खून से वो बढ़ के, आंखों के मेरे तारे तुम ही हो, दिल के मेरे टुकड़े। मैंने कहा था ना मैं एक दिन हमारा ये बांध के पूरे परिवार को साथ में लेके आगे बढ़ेगा। तूने तो उसे अपना पुत्र मान लिया, लेकिन सच जानने के बाद क्या वो तुझे अपने बाप का दर्जा देना चाहेगा? सरबजीत जी, कुछ हुआ है क्या? अजी गुस्से में से ताई जी ने बात तो ठीक कही है कि जो सच जानकर मैंने करम को अपना बेटा माना, कल को के वो सच जानने के बाद करण मुझे अपना पिता मानेगा?